अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हब न्यूज़ और मैं हूँ शहर बानो। आइए नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सामारू की मशहूर दरगाह साईं हसन शाह बागबान रह का सालाना उस मुबारक जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद गुलाम हैदर शाह कलंदरी की सरपरस्तरी में SOPs तहत अकीदत व तहतराम से मनाया गया, जिसमें 5 करोड़ रूद पाक, 3 खत्मुल कुरान पाक, 12 खत्म दलाइल खैरात, 80 यासीन पाक, 22 तखलीक कायनात महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह 10 में पेश करके खसूसी दुआएं मांगी गईं। दरगाह पे चादर चढ़ा के प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इस बाबरकत महफिल में मशहूर नात ख्वां एहतिशाम अफजल ने शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाते पढ़ के पूरी महफिल को झुमा दिया, जबकि अंजुमन गुलामान कलंदर वेलफेयर के रूहानी सरवान सैयद गुलाम हैदर शाह कलंदरी ने खिताब करते हुए महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वाहिद की बड़ाई बयान की। बरसों से मोहब्बत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजानें दे रहे हैं। हमारा फ़लसफ़ा आसान है, हम सब आजिज़ हैं, हमारा किसी के साथ कोई तासुब नहीं है, हमारा फ़लसफ़ा सूफियाना है। इस महफिल में मोहम्मद इब्राहिम हाली पूता, मोहम्मद बख्श नाहियो, सैयद अनवर शाह, सैयद महबूब शाह, एजाज मस्तूई, शमशाद अली और मेज़बान ग्रुप अमानू जहाँ मारूफ दादी बे मुठ्ठी रह के दोस्त साईं गैर मोहम्मद जिंद, डॉक्टर हैदर खोसो, अब्बास खोसो, दिलबर खोसो, वहीद कपरी, अल्ताफ दिलो दीगर शामिल थे। महफिल में मेडिकल टीम की तरफ से मुफ्त मेडिकल कैंप और इंफॉर्मेशन शोबा की तरफ से सैयद गुलाम हैदर शाह कलंदरी के लिखे हुए किताबों का इस्तेमाल भी लगाया गया था। रिपोर्ट आफ्ताब अहमद सोमरू मोरू।